हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जिस टॉपिक की अपन बात करने जा रहे हैं वो है आपके सामने मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग। मौसम पूर्वानुमान क्या होता है, मौसम पूर्वानुमान के कितने प्रकार होते हैं, वो अपन आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। वेदर फोरकास्टिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रेडिक्ट द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फियर फॉर अ गिवन लोकेशन एंड टाइम। यानी विज्ञान एवं तकनीकी द्वारा किसी स्थान एवं समय पर वायुमंडल की स्थिति का आकलन जो है किया जाता है उसे ही अपन मौसम पूर्वानुमान के नाम से जानते हैं। यानी एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि मौसम की क्या करनी, भविष्यवाणी करने कि भाई आने वाले समय के अंदर मौसम कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, उसी चीज को जो है अपन मौसम पूर्वानुमान कहते हैं, वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। यह बेसिकली तीन प्रकार की होती है, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, अल्प अवधि के लिए जो पूर्वानुमान होता है वह। दूसरा है मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मध्यम अवधि के लिए जो मौसम पूर्वानुमान होता है। देन तीसरा आता है लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो दीर्घ अवधि के लिए जो मौसम पूर्वानुमान होता है। अपन एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग किसे बोला गया है, शॉर्ट रेंज यानी कि जो बहुत ही कम समय के लिए जो है मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है, यानी कम समय यानी 3 दिन से कम या 72 घंटे के लिए जो मौसम की भविष्यवाणी की जाती है उसे अपन जो है शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग के नाम से जानते हैं। ये जो होता है ज़्यादातर जो है 24 घंटे के लिए ही की जाती है और इसके सही होने के जो चांसेस होते हैं वह 70-80% यह भविष्यवाणी सही रहती है। यह दिन में 2 बार और यह 36 घंटे के लिए वैध मानी गई है। इसके लिए साइनोप्टिक मॉडल जो है काम में लिया जाता है। तो अल्प अवधि के मौसम पूर्वानुमान के लिए किस मॉडल को काम में लेते हैं, तो साइनोप्टिक मॉडल को काम में लेते हैं। दूसरे प्रकार का मौसम पूर्वानुमान जिसे अपन मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, और जो सामान्यतया 3 से 10 दिन के लिए। अल्प अवधि का आपने देखा 3 दिन से कम के लिए होता है, मध्यम अवधि का 3 से 10 दिन के बीच वाला होता है, और इसी को जो है एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर कौन सा मौसम पूर्वानुमान ज़्यादातर काम में लिया जा रहा है, तो वो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जो आपको पता होना चाहिए। इसका सेंटर कहाँ पे है, नेशनल सेंटर फॉर द मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एग्जाम में पूछा गया है, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर है, जो आपको पता होना चाहिए, जो 3 से 10 दिन के मौसम की भविष्यवाणी करता है। देन लास्ट वन आता है लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग, यानी जो दीर्घ अवधि का लंबे समय के मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए काम लेते हैं, अर्थात लंबे समय यानी 10 दिन से अधिक का अगर मौसम पूर्वानुमान किया जाएगा तो उसे अपन लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग के नाम से जानते। तो वेदर फोरकास्टिंग जो होती है वह 3 प्रकार की होती है, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो 3 दिन से कम के लिए होती है, मीडियम रेंज जो 3 से 10 दिन के लिए होती है, और लॉन्ग रेंज जो आपकी 10 दिन से अधिक के लिए होती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन आता है देर आर अबाउट 300 मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंडिया। भारत के अंदर 300 ऐसे ऑब्जर्वेटरीज है जो मौसम पूर्वानुमान के लिए जो है स्थापित की गई है। IMD इट मीन्स द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो इनिशियली जो है एस्टेब्लिश किया गया है कलकत्ता के अंदर 1875 के अंदर, और प्रेजेंट के अंदर जो है आपका न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो है 6 रीजनल स्टेशन 6 जो है इसके क्षेत्रीय मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, तो पहला है चेन्नई के अंदर, दूसरा है आपका गुवाहाटी के अंदर, तीसरा है कोलकाता के अंदर, चौथा है मुंबई के अंदर, पांचवा है आपका नागपुर के अंदर, और छठा है न्यू दिल्ली के अंदर। तो IMD ने जो है मौसम पूर्वानुमान के लिए जो है 6 मेट्रोलॉजिकल रीजनल सेंटर्स स्थापित किए हुए हैं, जो चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है, जो आपको पता होना चाहिए।
देर आर ऑल्सो मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स इन द एवरी स्टेट कैपिटल, हर राज्य की जो राजधानी है वहां पे भी जो है आपका मेट्रोलॉजिकल स्टेशन जो है आईएमडी के द्वारा स्थापित किया गया है, और इसका जो पेरेंट होता है या इसके ऊपर नियंत्रण रखने का जो काम है मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो पृथ्वी विज्ञान जो मिनिस्ट्री है वो इसके ऊपर ध्यान रखने का काम करती है। देन द साइनोप्टिक चार्ट, साइनोप्टिक चार्ट जो अपने देखा जो अल्प अवधि के मौसम पूर्वानुमान के लिए काम में लेते हैं, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए काम में लेते हैं, तो भाई साइनोप्टिक चार्ट क्या होता है, द ऑब्जर्वेशंस आर द प्लॉटेड ऑन अ लार्ज आउटलाइन मैप, एक मैप पर नक्शे के ऊपर जो है ये ऑब्जर्वेशन सारी ली जाती है मौसम की, विच इन द पॉपुलर टर्म इज कॉल्ड अ वेदर मैप, जिसे अपन मौसम 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 का मैप मौसम का नक्शा भी आप कह सकते हो, और उसी को जो है अपन साइनोप्टिक चार्ट कहते हैं, यानी नक्शे के ऊपर जो है वेदर एलिमेंट्स को ड्रोन किया जाता है उसे अपन साइनोप्टिक मॉडल के नाम से जानते हैं, जो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए काम में लेते हैं। व्हेन द प्लॉटिंग ऑफ द साइनोप्टिक चार्ट इज कंप्लीटेड द फोरकास्टिंग देन प्रोसीड्स टू एनालाइज, उसके बाद जो है फोरकास्टिंग जो है प्रोसीड की जाती है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एनालाइज इज टू ड्रॉ द आइसोबार्स, सबसे पहले जो अपन ड्रॉ करेंगे मैप के अंदर साइनोप्टिक चार्ट के लिए वह आइसोबार को, आइसोबार यानी कि समान दाब वाले स्थानों को, समान दाब वाले स्थानों को सबसे पहले जो है उस मैप के अंदर प्लॉट किया जाता है, यानी जहां पे प्रेशर जो हो सेम हो, तो आइसोबार को सबसे पहले साइनोप्टिक चार्ट या वेदर मैप के अंदर ड्रोन किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए अपने वेदर फोरकास्टिंग के बारे में, मौसम पूर्वानुमान के बारे में, काफी इजी सा टॉपिक है, और इसमें से आपको बेसिकली ध्यान रखना है शॉर्ट रेंज क्या है, मीडियम रेंज क्या है, एंड आपका लॉन्ग रेंज क्या है, साइनोप्टिक चार्ट क्या है, और कहां कहां पे जो है मेट्रोलॉजिकल के सब स्टेशंस बने हुए हैं, और मेन आईएमडी का हेडक्वार्टर कहां है, ये सारा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।